जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे, माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, कल से है नवरात्र और नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली को, हमारी बहनों को, हमारी भतीजियों को, हमारे भाइयों को और छोटे बच्चे जो भी प्यारे प्यारे हमारे ब्लॉग देखते हों, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। माता रानी सबको स्वस्थ रखें, खुश रखें और सबके भंडार ऐसे ही भरते रहें। माता रानी सबके जीवन में खूब सारी खुशियाँ लाएँ। तो यहाँ पर हम आ गए हैं छत में और आज सुबह से ना इतनी कपड़ों की धुलाई हुई है कि पूछिए नहीं। कुछ हमारे अंदर कुछ ऐसा है ना कि नवरात्र जैसे शुरुआत होती है ना, वैसे अपने घर की साफ सफाई और जितने कपड़े धुले भी रहते हैं ना, उनको भी धुल डालते हैं। बस मन में यही होता है कि कहीं ये ना छू गया हो, वो ना छू गया हो। तो काफ़ी कपड़ों की आज धुलाई हुई है, तो धूप भी बहुत ही अच्छी वाली निकली हुई है। तो हम धूप में अपने कपड़े डाल देते हैं और 3 दिन से लगातार सफाई ही सफाई चल रही है। आज भी काफ़ी सफाई करना है और कल यानी बुधवार को भी काफ़ी सफाई होगी। और ये ब्लॉक हमारा था मंगल वाले दिन, तो मंगल वाले दिन सुबह से हमारे कुछ भी काम नहीं थे किचन वाले, तो हम साफ़ सफाई में लग गए। और हमने सोचा एक दिन कपड़े धुल लेते हैं, फिर एक दिन आराम से झाड़ू पोछा वाले हमारे काम होंगे। हमारी बहनें, आप लोग भी लगे होंगे जैसे हम इतनी सफाई में लगे हैं, तो हमारी सभी बहनें ऐसे सफाई में लगी होंगी। और कल के ब्लॉग में बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आए हैं। हमारी भतीजी प्रियंका, बहुत प्यारा आपने कमेंट किया है, और हमारी बहन रूबी दीक्षित, आपने बहुत ही प्यारा कमेंट किया है। अरे गाइस, आज ना बहुत ही ज़्यादा कपड़े थे। कपड़े क्या थे, जैसे कि अब आ रही नवरात्र, तो नवरात्र से पहले ना जितने भी कपड़े थे उतने हमने सब धुल डाला। कई साड़ियाँ हैं, कम्बल वगैरह हैं जो डेली बच्चे ओढ़ते हैं, हम ओढ़ते हैं। और अभी तक तो मायके के ब्लॉग चल रहे थे, ये नवरात्र से यानी आज मंगलवार और कल है बुधवार को अमावस्या, कल पितरों की होगी विदाई और उसके बाद शुरू हो गई माँ भगवती, यानी शुरू हो गए माँ भगवती के दिन, नवरात्रे शुरू हो गए। तो वैसे भी ना जब से मायके से आए ना, बस वही साफ़ सफाई वाले ही काम चल रहे, इतने काम इतने काम। और कहीं भी आप 2-3 दिन के लिए चले जाओ ना तो इतने काम हो जाते हैं, वहाँ से आने के बाद ना एक दिन भी आराम नहीं मिला। और अभी भी हमारे काम ही चल रहे हैं क्योंकि नवरात्र एकदम से पास में आ गई थी। और ये ब्लॉक ना 1-2 दिन लेट जाएगा क्योंकि मायके के ही 2-3 ब्लॉक बन गए थे 3 ही दिन में। चलते हैं नीचे, वैसे चाय नाश्ता हमारा सब हो गया है, बस अभी आज हमने यानी भिगो दिया था हरी मटर, तो आप लोगों को ना दिखा रहे हैं कि हरी मटर का हम लोगों को क्या बनाना है। अभी तो नहीं बनाएंगे, दोपहर बाद ही बनाएंगे, यानी दोपहर में ना कोई आने वाला है। ये है हमारे हरे भरे वाले पौधे गुलाब के, लेकिन इस समय ना गुलाब का फूल नहीं निकला हो, सासू माँ ना सब तोड़ लेती है। जब फूल निकला रहता है ना तो कितना अच्छा लगता है। धूप ना बहुत तेज़ वाली निकली हुई है, हमारे कपड़े ना अच्छे से सूख जाएंगे। और सासू माँ से मिलिए, सुंदरकांड का पाठ करके ना यहाँ पर भागवत सुन रही हैं और कह रहे हैं शोभा हॉल की भी साफ़ सफाई करना। हमने कहा आज रहने दीजिए, अब कल आराम से करेंगे। सो गाइस, यहाँ पर हमारे ग्रीन वाले मटर अच्छे से फूल गए हैं और ये देसी मटर है, ये मायके से हम अपने लेकर के आते हैं। और ये मटर की ना चाट ना बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये देखिए, हमारे पापा जी गए हुए थे ना तर्रा, हम तो नहीं पहुँच पाए हैं लेकिन हमारे पापा जी गए थे, तो प्रसाद आ गया है। नहीं, बड़े वाले भैया की ना हमारी श्राद्ध थी तो वहाँ का प्रसाद आ गया, हमारा रानी का, रुचि का। तो वही अब सोच रहे हैं कि रानी रुचि के यहाँ कैसे पहुँचाएँगे क्योंकि अभी कोई जाने वाला नहीं है और हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो देखते हैं जो जैसे होगा वैसे। हमारे यहाँ के ना ये काला जाम बहुत ही टेस्टी रहते हैं, यानी पेवर खोवा के ही रहते हैं, तो सब पैक करके रख देते हैं और कुछ हम पॉलीथीन से बाहर कर देते हैं। और इसके बाद अब लगते हैं अपने कामों में। हम आ गए किचन में, तो यहाँ पर हमने सूखी धनिया, जीरा, मेथी सब हमने भून लिया था। भूनने के बाद ना पीस लेते हैं क्योंकि यही मसाला हम डालेंगे चाट में। और इधर ना खट्टी वाली खटाई हमने भिगो दिया था सुबह ही, तो अच्छे से फूल गई है, तो इसकी हम बनाएंगे चटनी क्योंकि आज अच्छे से यहाँ पर सबको खिला देते हैं चाट। और किसको खिलाते हैं, तो आज ना कोई आने वाला है, यानी हमारे घर में ना देवियाँ आने वाली हैं, छोटी देवी नहीं बड़ी देवियाँ आने वाली हैं। तो जल्दी सब पीस करके रख लेते हैं और जल्दी बना लेते हैं। मटर भी हमारा अच्छे से बॉयल हो गया है, कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे चाट, यानी जीरा हींग का तड़का दे करके मटर हमने डाल दिया। इसमें हमने कोई मसाला नहीं डाला है क्योंकि पीस करके हम जो हमने सूखा मसाला रखा है ना वही डालेंगे। और यहाँ पर हमारा चाट भी अच्छे से पक रहा है। इसके बाद इसके इधर हमारी चटनी भी बन गई है और हमारी दीदी जी आ गई हैं और भी बहनें आने वाली हैं। और ये टाइम ना 3 बज रहे हैं, बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, बच्चों को भोजन करा दिए, आराम से बच्चे भी। गाइस, हमारी दीदी आ गई हैं
और हमारी चाट भी रेडी है, तो आ जाइए आप लोग भी। बस वगैरह फूल बुला के बस खाट खत्म कर देते हैं। लीजिए मार्केट के, देखिए देसी घी के रसगुल्ले, और हम प्लेट में नहीं रख रहे हैं। हमारे यहाँ देवी आ गई है तो हम इनको रसगुल्ले ऐसे हैवी वाले कटोरे में खिला रहे हैं। खाओ खाओ देविया, खाओ खाओ, आप लोग भी खाओ भाई। आप पहले खा चुके, आ जाइए आप इधर। हम काला जामे का नहीं खाते हो? एक गोरा, अरे हमारे यहाँ बांदा का खा करके देखो। काला छूटते नहीं, आपने यहाँ गोरा गोरा खाया होगा। हमारे यहाँ के ब्लैक वाला देसी घी बनता है, पेवर कोए का बनता है। हम कहीं का काला जाम नहीं खाते, लेकिन हम भाई अपने मायके का खाते हैं। जैसे हम हंस रहे वैसे आप लोग भी हंस लीजिएगा। मायके के इतने अच्छे लोग, कल पापा जी आए ना वहाँ से, तो हमारे लिए, रुचि के लिए और सबके लिए भाभी लोगों ने पैक कर दिया है। हाँ, तो वही सब अभी रखा हुआ है, रानी रुचि का रखा हुआ है। तो हमने सोचा आप सब लोग आओगे तो आप सब लोगों को खिलाएंगे। अरे डॉली बिट्टी आधा लो हमारी YouTube फैमिली। बहुत ही प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट करते हो, कहते हो कि दीदी आप कहाँ रहते हो। गाय जब रहते हैं रश्मि खंड में। आप लोग भी आइए, हमारी सब बहनों से मिलिए और सुंदर सुंदर लोगों से भजन सुनिए। देखिए बिना ढोलक के हम लोग अभी आप लोगों को भजन भी सुनाएंगे। हमेशा तो आप लोग ढोलक के भजन ही सुनते हो, कभी कभी ना बिना ढोलक वाले भजन सुनना चाहिए। अच्छा लगता है ना। और चाट भी रेडी, चाट तो खाते हो ना मटर का? अच्छा, तो भजन के बाद चाट खाओगे पहले? पहले नहीं है ना, ना पहले भजन। अच्छा अच्छा, चाट भी हमारा रेडी है खट्टा वाला, तो जल्दी निकाल देते हैं। और चाट निकालने के बाद ना इसमें ना सूखा वाला मसाला डालेंगे जो हमने भून करके पीस करके रखा है, और इसमें ना खट्टी वाली चटनी डालेंगे। और हमारी भतीजी प्रियंका, आप लखनऊ में रहते हो, आप यहाँ आना चाहते हो, आप ज़रूर आइए, आपका स्वागत है। इंस्टाग्राम में आप हमको मैसेज करिए। और हमारा मकान बिल्कुल पास में ही है, जब आप आओगे ना आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, हमको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये देखिए गाइज, किसको किसको ये खट्टा वाला चाट पसंद है, हमको तो बहुत ही पसंद है, क्योंकि हमारे मायके में ना यही खट्टा वाला चाट बनता है। और जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो यार मायके की याद ज़रूर आती है। लहसुन हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, 3 महीने से सब बंद है, इसीलिए पता है मैं कहीं अगर चाय भी पी लेती हूँ ना तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, सच बता रही हूँ। कैसा है चाट बिना प्याज लहसुन? बांदा का चाट है। कई आलू की टिकिया बना करके डाले होते ना तो और टेस्टी बनता है। सुबह वैसे कुछ भी बनाती हूँ, चाट है। अभी और ले लीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है। ठीक पूरी ना, ठीक है, तुम भी आओ। फरे बनाएंगे, नवरात्र हो जाए ना इसके बाद ही बनाएंगे। फरे भी तो वही होते होंगे। कैसे? इंजीर वाले, बिना लहसुन प्याज का? हाँ, ऐसे रहते हैं। आपस में हम सब बहनों की बातें भी चल रही हैं कि नवरात्रों में हमको भजन सुनाने कहाँ जाना है, और आप लोगों को भी गाए सुंदर सुंदर भजन माता रानी के सुनाना है। तो यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, और देखिए आप लोगों को भी ये देवियों के दर्शन हो गए। हमारी दीदी जी तो बहुत ही सुंदर माता रानी के भजन गाती हैं, और सच बताएं ना जब कोई आ जाता ना कितना अच्छा लगता है हमको तो ना, बस ऐसे ही। और कहते हैं जब घर में अपने कोई आता है ना तो समझ लीजिए भगवान आपके ऊपर बहुत ही प्रसन्न है, तभी कोई आपके घर के लिए टाइम देता है, ऐसे ही नहीं किसी के पास टाइम रहता। बच्चों को तो चाट बहुत पसंद रहता, उनको नहीं पसंद? दो चम्मच हमको ये दे दो, तुम्हारी पूरी सलाद। ये दीदी खाइए ना, आप ही के लिए। नहीं नहीं, दो थोड़ा सा। अरे खाओ, जूठा नहीं, जूठा इतना नहीं लगता। भाई नहीं, बात नहीं है, ज्यादा खाने वाला है, फिर उसको खाइए। तो ज्यादा खाने वाले आपने वादा। कई भजन हम लोगों ने गा भी लिया था, ढोलक तो नहीं थी, बिना ढोलक के हम और दीदी बहुत ही सुंदर सुंदर माता रानी के भजन गाए हैं, किसी दिन आप लोगों को सुनाएंगे। और इसके बाद ना सो गाइजिए, सुबह का ब्लॉग है, सुबह के 8 बज रहे हैं, सुबह के अपने काम जल्दी वाले हो गए थे, पतिदेव भी गए ऑफिस, और इसके बाद हम मंदिर की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि आज है अमावस्या, और अमावस्या को ही हमेशा हम मंदिर की सफाई करते हैं। भगवान जी के जितने भी वस्त्र हैं इनको धुल करके डालते हैं, तो ये भगवान जी के पूरे वस्त्र निकाल लिए, और इस तरीके से हम भगवान जी के वस्त्र यानी बाथरूम में नहीं धुलते हैं, इस तरह अलग से ही। और ये भगवान जी का ही टप है जो जिसमें हम भगवान जी के वस्त्र धुल रहे हैं, तो थोड़ी से सर्फ़ डाल करके, सर्फ़ डाल सकते हो आप, ईजी डाल सकते हो या शैम्पू डाल सकते हो, और इस तरीके से सॉफ्ट हाथों से ऐसे ऐसे करके ना भगवान जी के धुल लेते हैं। वैसे भी ना
छः महीने बाद हमको चेंज करना पड़ता है। अगर चुन्नी अच्छी रहती तब तो ठीक है, क्योंकि चुन्नी भी फट जाती है भगवान जी की, और हर दो महीने तीन महीने बाद तो भगवान जी का मंदिर साफ़ ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो गणेश लक्ष्मी इनको भी अच्छे से साफ़ कर देते हैं। और आज भी बहुत से ऐसे काम है, मलाई रखी, मलाई भी मथना है, घी भी निकाल करके रखना है, और पूरा दिन यानी खुदुर बुदुर वाले कई डिब्बे भी साफ़ करके रखना है, जिसमें हमको पूरा नवरात्रों में सामान रखना पड़ेगा। और बच्चों के लिए नाश्ता ही बना देते, क्योंकि आज बच्चों की थी छुट्टी, अभी तक सो रहे थे, तो यहाँ पर खिला वाला पोहा बना देते हैं। मनु को गोविंद को ना ये वाला पोहा बहुत ही पसंद है। और सासू माँ भी लगी हुई हैं कामों में, हमारी सासू माँ भी ना बहुत फुर्ती है यानी उनके अंदर, और अब तो थोड़ा सा ना कब्र में परेशान रहती हैं, लेकिन पहले ना हमारी सासू माँ बहुत काम करती थी। और जितने भी काम हमने सीखा है ना अपने ससुराल में, अपने सासू माँ से ही सीखा है। और पोहा भी हमारा रेडी हो गया, और कल के लिए बता रहे हैं कि कल हमको कितने बजे करना है कलश स्थापना। सो गाइस, कल है सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे का टाइम है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही हमको कलश स्थापना करना है। तो जो बहने आप लोग भी कलश स्थापना करते हो तो इसी टाइम पे आप लोग भी करिएगा। शाम के 4 बज रहे हैं अब जा करके हमको टाइम मिला है। आज ना पूरा दिन इतने साफ सफाई वाले काम हो गए कि पूछे ही नहीं। और गऊ माता है बाहर दिख रही है, छोटी सी गऊ माता है। तो हम मीना जार बंगला बाजार ले आते हैं पूजा का सामान। और आज ना ऊपर की हॉल की है साफ़ सफाई हुई है, यानी जितने पर्दे थे सब मशीन में धुलना। और अभी तक हम मीना दोनों लोग लगे हुए थे झाड़ू पोछा वाले काम, ज़्यादा वीडियो तो नहीं शूट किए हैं क्योंकि आज दिमाग ने काम कर रहा था कि किधर से शुरुआत करें किधर से अंत करें, काम कितने काम कितना गुरुवार हो जाएगा तो वैसे भी साफ़ सफाई वाले काम नहीं होंगे। और फिर भी ना शुरुआत में ही इतने पूजा पाठ के अपने काम हो जाते हैं कि कलश कहाँ स्थापित करना है और कैसे क्या पूजा करना है, तो सुबह से इतने काम रहेंगे, इसीलिए ना आज साफ़ सफाई वाले पूरे काम हो गए हैं। इतनी धूप है, इतनी उमस वाली गर्मी है। सासू माँ भी मेहंदी लगा करके बैठी थी, इसीलिए टुल्लू चल रहा है, नहा रही होंगी, क्योंकि दो दो तीन तीन टंकी का पानी ना पूरा ख़त्म हो गया है हम लोगों को कपड़े धुलने में और धुलाई करने में। आज ना इतनी थकावट हो गई है कि कहीं ना जाए, लगता है आराम करें। हम लोग आ गए हैं बंगला बाजार, और बंगला बाजार में ही पास में ना मंदिर है, और गणेश जी माता जी पार्वती बहुत सुंदर सुंदर जी भगवान जी बैठे हुए हैं। तो कुछ समय के लिए यहीं पर बैठ जाते हैं। और पैदल आए थे ना, इतनी उमस वाली गर्मी, इतनी धूप है कि हालत ख़राब हो गई थी। और घर से मनु का फ़ोन आ गया था कि मम्मा स्कूल में यानी कोई फंक्शन है डांडिया का, तो इनको ड्रेस चाहिए। तो कह रहे मम्मा हमारे साथ चलिए अमीनाबाद। हमने कहा बेटा अमीनाबाद तो नहीं जाएंगे, अकेले परेशान हो जाएंगे, और शाम भी हो रही है, और मार्केट में यहाँ भी इतनी भीड़ है कि हम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, हालत ख़राब हो गई। सच बताया ना, इस समय ना भीड़ में कहीं निकलने वाला नहीं है। और हम पहले ना इतना घूम लेते थे, लेकिन पता नहीं अब क्या हो गया कि ज़रा सा भीड़ में हम निकलते ना तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर मनु अपने पापा जी के साथ आ गए थे, और ये देखिए ब्लैक कलर का कुर्ता ले रहे हैं और जीन्स ले रहे हैं, और इनको यहाँ पसंद भी आ गया। इसके बाद हमने ले लिया है माता रानी के पूजा पाठ का सामान। वही मीना बोल रही थी कि अभी थोड़ी सामान ले लीजिए, आराम से फिर किसी दिन आते हैं तब सामान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना मार्केट में इतनी भीड़ है कि मतलब मन नहीं कर रहा था कि हम क्या लें क्या। तो जो कल ज़रूरत का सामान है ना वही सब ले लिए हैं, और इसके बाद जल्दी करवा लेते हैं बिलिंग। और कई बार तो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं कि माँ भगवती के पूजा पाठ का सामान क्या होता है, हमारी बहनें आप लोगों को तो पता ही, अगर नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। वैसे जैसे हमेशा माँ भगवती का पूजा का सामान लेते हैं, पूरा सामान हमने वैसे ही ले लिया है। और इसके बाद बस सामान लेकर के हम लोग आ गए हैं घर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों की चल रही पार्टी, और काफ़ी आइटम लेकर के आए। हमने कहा बच्चा पार्टी खा लो, और कह रहे मम्मा आपको भी खाना। मैंने कहा नहीं हमको नहीं खाना, वैसे भी हम बाहर की चीज़ें कुछ भी नहीं खाते हैं, और इतनी बाहर गर्मी है कि हम दोनों देवरानी जेठानी की ना हालत ख़राब हो गई थी। सो गाइस इस ब्लॉग का एंड करें। जय माता दी गाइस।